सर आप अंदर नहीं आ सकते। क्या मतलब? मैम बॉस ने फराज साहब को ऑफिस में एंटर होने से मना किया। दरअसल जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा, माजरत चाहती हूँ। सकलैन भाई ने इस बारे में मुझे कुछ पता लगने ही नहीं दिया। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं ऐसा कभी ना होने देती। जो कुछ हुआ है उसकी फिक्र नहीं है, जो होने वाला है उसके लिए परेशान। ऑफिस में सबको पता चल गया है, आई हैव नो आइडिया उनको फेस कैसे करूँ। सिर्फ आप ही नहीं, मेरा भी नाम खराब हुआ है सबके सामने। मुझे भी सबको अपनी सफाई देनी होगी। एक काम करते हैं, साथ में ऑफिस चलते हैं, बल्कि पहले आपके घर चलते हैं। आपके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, एक बार आपको देख लेंगे तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद फिर साथ में ऑफिस जाते हैं, मैं बॉस को सब एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम आज की आज ही सॉल्व हो जाए। क्या कहते हैं? चलें। ओके। सर आप अंदर नहीं आ सकते। क्या मतलब? मैम बॉस ने फराज साहब को ऑफिस में एंटर होने से मना किया। हम बॉस से बात करने ही जा रहे हैं। मैम सर का कहना है कि वो खुद कॉल करेंगे फराज साहब को, लेकिन अभी उनका ऑफिस आना मना है। ओके, मैं अपना सामान तो अंदर से ले सकता हूँ, इजाजत तो होगी मेरे? जी सर, आप आइए मेरे साथ और मेरे सामने सामान उठाइए। एक सेकेंड फराज, मैं बॉस से बात करके आती हूँ। फराज साहब प्लीज आप साइड में वेट कर लें।